डांस एकेडमी और आज मैं आपके लाया हूँ काफी वायरल हो रहा ट्रेंड गाइस, ये डांस ओरिजिन नाम से काफी म्यूजिक एक वायरल हो रहा है, तो इसको स्टार्टिंग टू एंड पूरा अच्छे से सीखेंगे आज गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, हमारे म्यूजिक में 3 बीट्स यहाँ पर ड्रॉप होगी, 3 बीट्स आएंगे गाइस। तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पर राइट शोल्डर रहेगा, इससे स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको राइट शोल्डर को क्या करना है, आगे की तरफ हिट करना है, तो ये इस तरीके से आएगा गाइस आगे, ठीक है। देन थोड़ा सा एनर्जी से आप इसको क्या कर देना, इस तरीके से हिट कर देना, ऐसा लगना चाहिए जैसे यहाँ पर आप किसी चीज को अपने शोल्डर से, इस तरीके से दिखाता हूँ मैं, इस तरफ से अपने शोल्डर से मार रहे हैं ओनली ये, ठीक है। ओनली क्या टच होगा आपका शोल्डर, तो ये आपका शोल्डर ऐसे आना चाहिए। तो आपको अगर गाइस की प्रैक्टिस करना है तो आप क्या करना, अपना हाथ आगे रखना है ऐसे सामने, ठीक है। देन आपने शोल्डर को आप लेके आना, ठीक है, और आप क्या करना है यहाँ पर टच करना उसे, ठीक है। क्या करेंगे गाइस, आप इसको कंटिन्यू इस तरीके से प्रैक्टिस करना, उससे क्या होगा आपका हिट इम्प्रूव होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप ऐसे कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है गाइस। तो क्या करना है आपको, 3 बीट्स आएगी तो 3 टाइम आपको क्या करना है, अपना राइट शोल्डर को हिट करना है आपका, हिट देन सेकेंड टाइम हिट देन थर्ड टाइम हिट, ठीक है। अगर गाइस आप ग्रुप में कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा फॉर्मेशन में भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट बंदा कर रहा है फिर सेकंड कर रहा है फिर थर्ड कर रहा है, डू इट में कर रहे हैं आप तो पहले फर्स्ट बंदा करेगा देन फिर सेकंड आप करेंगे देन फिर थर्ड आप साथ में करेंगे। तो अभी मैं अकेले कर रहा हूँ तो 3 बीट्स मैं करूंगा यहाँ पर गाइस, तो इसको अच्छे से देखिए आप, 1 and 2 and 3, ठीक है गाइस। उसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, शेप, आपको बॉडी चेक करना आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको शेक करना आता है तो अगला स्टेप आपके लिए काफी इजी रहेगा, अदरवाइज आपको पहले अपना शेक सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो शेक के लिए एक इजी सा टिप बता देता हूँ मैं आपको, आपको क्या करना होता है, अपने हैंड्स को आप ओपन रखिए, ठीक है, देन आपको अपने हैंड को हिट करना होता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप मूव करेंगे अपने हैंड को, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस कीजिएगा गाइस, अगर आपका शेक नहीं आता है बॉडी में तो इस चीज का प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले, ठीक है। देन बॉडी को एकदम ढीला छोड़ना होता है, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, ठीक है। तो भी बढ़ते हैं हमारे स्टेप की तरफ, हमें स्टेप में क्या करना है, पहले मैं आपको अपने फोर्थ स्टेप बता देता हूँ कितने होंगे, आपको ओनली 8 स्टेप आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 8 स्टेप में क्या करेंगे, पहले लेफ्ट को पीछे रखेंगे देन फिर राइट को पीछे रखेंगे देन लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट, ठीक है। आपको पीछे की तरफ बढ़ना है गाइस, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट से। तो पहले काउंट कर लेते हैं हम फुटवर्क पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है गाइस। कितने स्टेप लेने हैं आपको, 8 स्टेप लेने हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक बेसिक सी चीज और देख लेना गाइस, इसमें आपको क्या करना है, अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ हल्का सा मूव करना, मूव 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 एंड मूव एंड मूव, ठीक है। पहले कहां मूव करेंगे आप, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। हैंड मूवमेंट आपका कैसा रहेगा, एकदम ऐसे स्टूडेंट रहेगा, आप शेक करते हैं हम पीछे जाएंगे, पहले थोड़ा स्लो देखेंगे देन फिर इसकी स्पीड में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है गाइस। अब म्यूजिक में किस तरीके से होगा, किस स्पीड से होगा वो भी बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 गाइस, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, लेकिन जब ये आ जाएगा तो काफी प्यारा लगेगा। तो फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। आगे अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, अगले स्टेप में गाइस आपको ये सपोज करना है कि पीछे से आपको कोई धक्का मार रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सालसा लगता है वैसे स्टेप, मुझे तो दिखने में थोड़ा सालसा लगता है, सालसा मुझे आता, मैंने किया हुआ, काफी अच्छा स्टाइल होता है गाइस, तो उस तरीके से थोड़ा सा। लेकिन आपको क्या सपोज करना है कि आपको पीछे से कोई पुश कर रहा है, तो आप ऐसे आगे आगे गिरोगे, ठीक है। कोई पुश करता है आपको पीछे से तो इस तरीके से झटका आता है बॉडी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं स्टेप में बता देता हूँ, आपको अपना राइट फुट रखना है आगे, ठीक है, लेफ्ट को उठाना है देन राइट को वहीं पर अप कर लेना है, ठीक है। 3 स्टेप्स है गाइस, ध्यान से देखना, 1 2 3, राइट को यहां अप कर देंगे आप, फिर से देखिए ध्यान से, 1 2 3, ठीक है। पहले क्या कर रहे हैं हम, और इजी बताऊंगा, पहले आप राइट रखेंगे फिर लेफ्ट को उठाएंगे देन फिर लेफ्ट को अप कर लेंगे, ठीक है। अब आपका हैंड मूवमेंट कैसा रहेगा, पहले पहले आप लेफ्ट को आगे ला रहे हैं देन फिर राइट को आगे ला रहे हैं देन इस तरीके से फिर दोनों को अप कर देंगे लेग मूवमेंट के साथ, हिट कीजिए गाइस। ये आपने लेफ्ट हैंड रखा, राइट लेग रखा, ठीक है, देन फिर लेफ्ट को अप करके यहाँ पर अप किया और एक हिट करेंगे आप अपने वेस्ट से, ठीक है। ये भी हम देख लेते हैं,
आपका वेस्ट मूव होना चाहिए गाइस। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने वेस्ट को हिट करना है। कहाँ करेंगे आप, हिट ऊपर की तरफ, अपने वेस्ट को ऊपर हिट करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, 1 2 3 4, ठीक है, फिर से एक बार 5 6 7 को 1 2 3 4, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा मूवमेंट टाइप लेना और प्यारा लगेगा दिखने में। तो आप इस तरीके से आएंगे, जो डांस ओरिजिन जो इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चल रहा है, वो लोग काफी स्मूथ और काफी मतलब अपने स्टाइल को मिक्स करते हैं, काफी एंजॉय करते करते हैं, तो काफी अच्छे लग रहे हैं गाइस वो। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप भी अपना स्टाइल, अपना एंजॉयमेंट टाइप करना है इसमें। आप इस तरीके से आएंगे, देन 1 2, ठीक है। देन इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है गाइस। अगर आप यहाँ पर वेस्ट को हिट कर पा रहे हैं तो आपको बस थोड़ा सा बस टर्न करना है इसमें। आपने जैसे हिट कर दिया यहाँ पर, तो आपको हिट करते हुए बस टर्न करना है पीछे की तरफ, ठीक है, वहां आपका ये ट्रेंड ओवर हो जाएगा। तो एक बार स्टार्टिंग टू एंड पूरा अच्छे से देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है। फर्स्ट स्टेप से करते हैं, हिट एंड हिट एंड हिट, ठीक है, 3 times आपने हिट किया। फिर उसके बाद शेक करेंगे गाइस 5 6 7 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन आप आगे आएंगे 1 2 3 1 2 and 1 2 3 4। तो इस ट्यूटोरियल को यहीं पर करते हैं, और इस ट्यूटोरियल का डांस वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स में डाला हुआ है, तो वहां पर जाकर आप पहले वीडियो देखिए, फिर यहां पर अगर स्टार्टिंग पॉइंट अच्छे से ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए गाइस, और अपने अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर उसमें हमें टैग कीजिए, हमने लिंक नीचे डाले हैं, आप वहां से हमारी आईडी को फॉलो भी कर सकते हैं, और फिर वहां पर जाकर हमें टैग भी कर सकते हैं गाइस, बड़ा ही आसान है। और आज जो मैंने आपको रूटीन सिखाया है काफी इंजॉय करने वाला रूटीन है, तो इंजॉय कीजिए और मजे करते हुए वीडियो बनाइए गाइस। और इस तरफ आपको साइड में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर जाकर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर कर दीजिए गाइस, ताकि ये अच्छे अच्छे वीडियो आप तक आते रहे। करना क्या है, उनको एंजॉय करना है, तो घर पे बैठकर अच्छे से अच्छे से डांस सीखिए, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय एंड पीस।